वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज की क्लास में हम फैक्टर थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद NCERT क्लास 9 की बुक से एक्सरसाइज 2.4 के भी कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो फैक्टर थ्योरम हमारी आज के क्लास का मेन टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले क्लास तक हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुका है, तो स्टार्टिंग करेंगे हम थोड़े से रिविजन से और फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। रिमाइंडर थ्योरम, बच्चों आप बचपन से जब से आपने डिवीजन करना सीखा है, जब से आप डिवाइड करते हो, ठीक है, जब से आपने कोई नंबर को डिवाइड करना सीखा, सपोज 9 को आपने 2 से डिवाइड किया, तो जब 9 को 2 से डिवाइड करते हो तो 2 4 8 आता है और माइनस करते हो और फिर रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। तो यहां पर जो ये 2 है इसको आप बोलते हो डिवाइजर, जिसको हिंदी में भाजक बोला जाता है। 9 इज डिविडेंड, जिसको हिंदी में भाज्य बोला जाता है। 4 इज क्वोशेंट, जिसको भागफल बोला जाता है। एंड दिस 1 इज रिमाइंडर, जिसको शेष हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। और यहां से आप एक रूल जानते हो, ये रूल होता है डिविडेंड, दैट इज 9 इज इक्वल टू 2 × 4 प्लस रिमाइंडर, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये एक डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं इसको, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। अब देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है हमें, लेट पीएक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1। मतलब ये जो हमने मैथ्स किया, ठीक है, यहां पर जो हमने मैथ्स किया ये हमने नंबर्स के साथ किया, ठीक है। अब अगर हम इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तब किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम अप्लीकेबल होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट पीएक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1। px एक पॉलिनोमियल है मान लीजिए ऑफ डिग्री मोर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। डिग्री का मतलब होता है जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल है, दैट इज एक्स या वाई या जेड, जो भी उसकी हाईएस्ट पावर, पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट होल पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है तो पहले टर्म में x की पावर है 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर x की पावर है 2 प्लस 2x x की पावर 1 प्लस 1 x की पावर 0। तो इसमें वेरिएबल कौन है, x, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। तो लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। px एक पॉलिनोमियल है और a एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है। एक px, अगर px को डिवाइड किया जाए बाय लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, जैसे कि ये x माइनस a, आप देख रहे हो इसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जा रहा है। अगर px को डिवाइड किया जाएगा बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a देन द रिमाइंडर इज pa। ये थ्योरम हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इस क्लास में बस रिविजन कर रहे हैं। तो ये कहने का क्या मतलब है इसका, मैं इस एग्जांपल से बताता हूं। जैसे सपोज कर लीजिए 9 को आपने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, ठीक है। दिस इज 1 मेथड, दिस मेथड इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो मैं आपको डिवीजन मेथड भी सिखा चुका हूं, ठीक है, और ये मेथड भी सिखा चुका हूं। अब इस मेथड में क्या है, सपोज कर लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, और ए बी ए पॉलिनोमियल, इसको बोल देते हैं हम लेट ए बी 1, ठीक है। तो जब आपको px को डिवाइड करना है x माइनस a से, x माइनस a एंड a की जगह 1 रख लीजिए, ठीक है, ये मैं बस मान रहा हूं। तो x माइनस 1 से अगर आपको डिवाइड करना है px को, जब x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो एक मेथड आपके पास है 2x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। आप इस तरीके से लॉन्ग डिविजन मेथड से इसको सॉल्व करो एंड देन आप इसका रिमाइंडर फाइंड करो। दिस इज 1 मेथड, ठीक है, बट ये मेथड थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। दूसरा मेथड जो हमने सीखा था, हमने ये सीखा था कि जिस भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, दिस इज x माइनस a इज आल्सो पॉलिनोमियल एंड px इज आल्सो पॉलिनोमियल, तो जब भी हमें x माइनस a से डिवाइड करना है हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, दैट इज इसको इक्वल कर देते हैं 0 के और यहां से x की एक वैल्यू आ जाती है 1। फिर हम p ऑफ 1 निकालते हैं, दैट इज दिस सॉल्यूशन p ऑफ 1। p ऑफ x आपको दे रखा है, p ऑफ x आपको दे रखा है, अगर आप p ऑफ 1 निकालोगे तो p ऑफ 1 का मतलब होगा कि x की जगह पर 1 रख दो पूरे इक्वेशन में, सॉरी पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह पर 1 रख दो, तो p ऑफ 1 आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर
प्लस वन माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन कट जाएगा और वन का स्क्वायर वन होता है एंड टू, तो रिमाइंडर आएगा टू। जब आप इस पॉलिनॉमियल को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करोगे तो भी आपका रिमाइंडर टू आएगा, अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट मैं इसको होमवर्क पे दे रहा हूं, आप इसको होमवर्क में करके देख लेना कैसे डिवाइड करते हैं, और हमने भी डिवीजन मेथड सीख चुका है कैसे आप एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हो, ठीक है। तो यहां से भी चेक करना है तो रिमाइंडर टू आता है। तो रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि जब आपको एक पॉलिनॉमियल पी एक्स को डिवाइड करना है एक दूसरे पॉलिनॉमियल से, एक्स माइनस ए कोई दूसरा पॉलिनॉमियल है उससे डिवाइड करना है, तो जो रिमाइंडर होता है वो आता है पी ऑफ ए से, पी ऑफ ए सॉल्व कर दो वो आपका रिमाइंडर बता देगा, ठीक है। तो मैं इसमें छोटा सा एग्जाम्पल एक और आपको देता हूं। सपोज कर लीजिए ये आपका पॉलिनॉमियल था पी एक्स, ठीक है, और इसको आपने डिवाइड करना है एक्स प्लस टू से, एक्स प्लस टू से डिवाइड करना है एंड देन यू हैव टू टेल द रिमाइंडर, ठीक है। तो इस केस में आप ध्यान रखो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, हम मान लेते हैं इसका नाम जी एक्स दे देते हैं, पी एक्स इज वन पॉलिनॉमियल, जी एक्स इज अनदर पॉलिनॉमियल एंड हम लिखते हैं फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ जी एक्स, आप जी एक्स को जीरो कर देते हो, दैट इज एक्स प्लस टू को जीरो करते हो तो एक्स की वैल्यू माइनस टू आ जाती है। अब पी ऑफ माइनस टू निकालोगे, ध्यान रखना ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर कहने का मतलब एक जनरल, जैसे सपोज कर लीजिए आपको कोई डेफिनेशन देनी है, ठीक है, जैसे आपको किसी चीज की डेफिनेशन मानी जाएगी तो पूछी जाएगी कभी भी, तो एक जनरल चीज होगी जो कि मतलब पूरी दुनिया में मानी जा रही होगी, उसी को एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये लिखी हुई है। अब ये मत बोलना कि हमेशा यहां पर माइनस ही रहेगा क्या, ठीक है, ए कैन बी पॉजिटिव और ए कैन बी नेगेटिव, ठीक है। जैसे यहां पर अगर ये है तो आप इसको जीरो कर दो, यहां से एक्स की वैल्यू आएगी उसको पुट कर देना तो रिमाइंडर आ जाएगा, उसी को पी ए बोला जाएगा, ठीक है। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है आप समझ जाते हो और आप जानते हो कि किस तरह से जब एक पॉलिनॉमियल दिया जाए उसको एक दूसरे लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड करने हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल हम करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। रिमाइंडर फाइंड करने का एक और तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड, बट रिमाइंडर थ्योरम से जब आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वल टू जीरो करो, वहां से एक्स की एक वैल्यू आती है एंड पी ऑफ दैट वैल्यू ऑफ एक्स या पी ऑफ ए आप निकाल दो, वही रिमाइंडर आता है जब आप लॉन्ग डिवीजन से करो चाहे रिमाइंडर थ्योरम से करो, ठीक। इतना आपको पता चल गया। अब देखो बात उससे आगे बढ़ती है, इतना हम लास्ट क्लास में भी सीख चुके थे, अब बात उससे आगे बढ़ाते हैं। सपोज कर लीजिए आपने सिक्स को डिवाइड करा थ्री से, मैं नॉर्मल मैथ्स को लेकर के आपको समझा रहा हूं ताकि आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आ जाए। सपोज कर लो आपने सिक्स को डिवाइड करा थ्री से, ठीक है, या मैंने यहां पर लिख रखा है सिक्स को डिवाइड करा टू से, सिक्स को डिवाइड करा थ्री से, सिक्स को डिवाइड करा सिक्स से एंड सिक्स को डिवाइड करा वन से। इन सारे केसेस में एक स्पेशल चीज आएगी, वो क्या है आप देखिए, टू थ्री जा सिक्स रिमाइंडर इज जीरो, थ्री टू जा सिक्स रिमाइंडर इज जीरो, सिक्स वन जा सिक्स रिमाइंडर इज जीरो, वन सिक्स जा सिक्स रिमाइंडर इज जीरो। आप इन चारों केसेस में देख रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम से आप रिमाइंडर निकालना सीख गए। अब बात उससे आगे, अगर अगर ध्यान से सुनना, यही है बेसिक आपका फैक्टर थ्योरम के लिए, ठीक है। अगर जब आपने पी एक्स पॉलिनॉमियल को एक जी एक्स दूसरे पॉलिनॉमियल से जो कि लीनियर था, दैट इज एक्स माइनस ए के फॉर्म में था, उससे डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया पी ऑफ ए। जब आपने रिमाइंडर निकाला और अगर, ठीक है, अगर शब्द इज इंपॉर्टेंट, अगर आपने देखा कि रिमाइंडर आ गया जीरो, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि जो जी एक्स था या एक्स माइनस ए था उसके टेबल में पी एक्स आ रहा था। मैं फिर से समझाता हूं, सपोज कर लीजिए आपने सिक्स को जब डिवाइड करा था थ्री से तो रिमाइंडर आ रहा था जीरो, जब सिक्स को डिवाइड करा था थ्री से तो रिमाइंडर आ रहा था जीरो। कोशेंट क्या है मुझे मतलब नहीं है, मैं बस रिमाइंडर पे ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। तो सिक्स को जब डिवाइड करा थ्री से रिमाइंडर आया जीरो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि थ्री की टेबल में सिक्स आया होगा, ठीक। उसी तरह मैं ये बोल सकता हूं कि टू की टेबल में सिक्स आया होगा, वन की टेबल में सिक्स आता है या सिक्स की टेबल में सिक्स आता है, इतना मैं बोल सकता हूं। अब बच्चों यहां पर जो ये टू लिखा है, ये थ्री लिखा है, ये सिक्स लिखा है, ये वन लिखा है, जिनकी टेबल में डिवाइजर, सॉरी, जिनकी टेबल में ये सिक्स या डिविडेंड आ रहा है, इन सारे नंबर्स को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ सिक्स, ठीक है। दिस वन टू थ्री एंड सिक्स आर फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ सिक्स,
ये सारे नंबर्स फैक्टर हैं 6 के, या आप बोलो इन सब की टेबल में 6 आएगा, या आप बोलो ये सब 6 को जब भी डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड कर देंगे, दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और जब ये लोग 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये सब बातें आप समझ गए, बेसिक बातें, ठीक। अब यही है बेसिक आपका फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट। जब भी आपने पीए से रिमाइंडर निकाला, पीए से रिमाइंडर निकाला और वो रिमाइंडर आ गया 0, तो आप हमेशा ये बोलोगे कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो x माइनस ए मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, या x माइनस ए विल कंप्लीटली डिवाइड पी एक्स, ठीक है। तो आप ये चीजें बोल सकते हो, तो इसी को मैंने यहां पे लिखा है। नाउ आफ्टर फाइंडिंग द रिमाइंडर, जब आपने रिमाइंडर फाइंड करा, दैट इज पी ए, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से जब आपने रिमाइंडर फाइंड करा, इफ वी ऑब्जर्व, अगर हम ऑब्जर्व करें कि पी ए 0 आ जा रहा है, या द रिमाइंडर इज 0 जब पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, या फिर पी एक्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए। ये एक ही लाइन को बार बार अलग अलग तरीके से बोलने का तरीका है, ठीक है। तो देन वी से दैट एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि ये बात उल्टी भी सही होगी, जैसे कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप x माइनस ए को फैक्टर बोलोगे पी एक्स का, या फिर कोई आपसे बोले कि अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, तो आप पक्के तौर पर बोल सकते हो अच्छा ये इसका फैक्टर है, तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर पक्के तौर पर 0 आएगा, ठीक है। या तो वो आपसे पहले बोल दे कि जब पी एक्स एक पॉलिनॉमियल को आपने x माइनस ए एक दूसरे पॉलिनॉमियल, x माइनस ए एक जनरल स्ट्रक्चर है, अगर कहीं पर x प्लस 2 लिख रहा होगा तो भी चलेगा, ठीक है, समझ गए ना आप बात। x प्लस 2 लिखाओ, x प्लस 3 लिखाओ, x माइनस 4 लिखाओ, x प्लस 100 लिखाओ, x माइनस 1 करोड़ लिखाओ, x प्लस 1 करोड़ लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, ठीक है। इन सारे नंबर्स को मैं a से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। तो अगर पी एक्स को डिवाइड किया जाए क्यू एक्स से, ठीक है, वेयर क्यू एक्स इज x माइनस ए, ठीक है, का बेसिक स्ट्रक्चर, तो जब आपने डिवाइड करा और रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है, अगर मैं पहले बोल दूं रिमाइंडर 0, तो दिस जी एक्स या क्यू एक्स या एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, दूसरा गिवन पॉलिनॉमियल। और इस बात को उल्टी तरह से बोलो, अगर कोई बोले कि एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो पक्की तौर पर द रिमाइंडर वुड बी 0, ठीक है। तो यहीं पर मैं फैक्टर थ्योरम लिखता हूं आपके सामने, ठीक है, मैं फैक्टर थ्योरम लिखने जा रहा हूं और उसको मैं इसी में एडिट करके लिख देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। फैक्टर थ्योरम, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है, इतनी डेफिनेशन सेम है। मान लेते हैं पी एक्स एक एनी पॉलिनॉमियल है, कोई भी पॉलिनॉमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है। देन तो हम ये बोल सकते हैं, हम दो बातें बोल सकते हैं, क्या x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ऑफ ए इज 0, और दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो पी एक्स एक गिवन पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री मोर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब वो लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, फोर्थ पावर का पॉलिनॉमियल, कुछ भी है, और ए एक नंबर है, ए एक नंबर है, और ये नंबर कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, इसीलिए ये एक्स प्लस 2 का फॉर्म भी हो सकता है, एक्स माइनस 2 का फॉर्म भी हो सकता है। अब एक्स प्लस 2 का फॉर्म किस तरह से हो रहा है आप देखो, एक्स प्लस 2 को आप ऐसे लिख सकते हो एक्स माइनस माइनस 2, इस तरह से लिख सकते हो, और अगर ये इसकी जगह पर आप a लिख दो तो x माइनस ए हो गया, इसलिए x माइनस ए को जनरल लिखा जाता है। a खुद में कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर a खुद में माइनस 2 है तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है, इसलिए ये x माइनस ए एक जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहां पर हमारा फैक्टर थ्योरम क्या है, कैसे रिमाइंडर थ्योरम से लिंक करते हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया। रिमाइंडर थ्योरम इजी है, पी एक्स एक पॉलिनॉमियल गिवन है, ठीक है, जो कि कुछ भी डिग्री का है, ठीक है, ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और एक लीनियर पॉलिनॉमियल है आपके पास x माइनस ए, तो जब भी आपको पी एक्स को डिवाइड करना है x माइनस ए से, तो लॉन्ग डिवीजन कर सकते हो या पी ऑफ ए निकाल सकते हो। ए कहां से निकलेगा,
ये x माइनस ए को इक्वल टू जीरो करते हैं तो x आएगा a, ये इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है, x माइनस ए का सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू ए, तो x की जगह पर a रख देना है px में, तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो उसका भी रिमाइंडर वही आएगा जो लॉन्ग डिविजन मेथड से आता हो, ठीक है, तो वहां से आप रिमाइंडर थ्योरम से आप रिमाइंडर निकालते हो। अब अगर आप रिमाइंडर निकालते हो और आपने ऑब्जर्व करा कि रिमाइंडर जीरो आ जाता है, जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो आप बोलते हो कि दिस एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिविडेंड पी एक्स, क्योंकि आपने पी एक्स को डिवाइड किया था एक्स माइनस ए से, तो एक्स माइनस ए जब पी एक्स का फैक्टर होगा तभी उसका रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है, बस यही है आपका फैक्टर थ्योरम, ठीक है, तो बस इतनी सी डेफिनेशन थी फैक्टर थ्योरम की और इतना छोटा सा कंसेप्ट था फैक्टर थ्योरम का और किस तरह से वो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेट करता है मैंने ये भी समझा दिया, और कैसे पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट मैंने नंबर्स के जरिए आपको समझाया, इजी कैलकुलेशन से आपको समझाया, आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में है, और फिर हम एक्सरसाइज 2.4 जो आपकी बुक का है उसके भी कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। तो बच्चों मैंने दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और ये दोनों क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स में है, ठीक है, मैं इनको समझाता हूं, दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है, चेक वेदर एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल, यहां पर दो पॉलिनोमियल आपको दे रखे हैं, ठीक है, एक का नाम आप पी एक्स मान लो, तो हम इस तरह से आप आंसर करेंगे, आंसर लेट पी एक्स, पी एक्स एक पॉलिनोमियल को आप बोल दो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, और ये दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा पॉलिनोमियल ये, तो इसको हम मान लेते हैं क्यू एक्स, दूसरा पॉलिनोमियल मान लेते हैं दिस इज 2x प्लस 4, ठीक है, और हमसे पूछा है कि क्या x प्लस टू इन फैक्ट इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल, इन दोनों पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है या नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो लेट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है, वी हैव टू चेक इफ जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स और नॉट, हमें ये चेक करना है कि ये जो जी एक्स है एक्स प्लस टू, ये पी एक्स और क्यू एक्स का फैक्टर है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप करोगे जी एक्स को इक्वल टू जीरो, पुट करते हैं जी एक्स को जीरो, यहां से आ जाता है एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस टू, जब एक्स की वैल्यू आएगी माइनस टू तो आप इस वैल्यू को आप पी एक्स में पुट कर दो, एक्स की वैल्यू माइनस टू, तो इसके बाद में यहां पे लिख रहा हूं, तो आप फाइंड करोगे पी ऑफ माइनस टू, पी ऑफ माइनस टू फाइंड करो तो ये आएगा, एक्स की जगह पर माइनस टू रखो, और ध्यान रखना ब्रैकेट का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है और बहुत ध्यान से करना कंपलसरी है, बिकॉज कई बच्चों को ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना आता, और अगर वो एक्स की जगह पर माइनस टू रखते हैं, यहां पर सपोज कर लीजिए इधर 5x का मतलब होता है 5 into x, लेकिन जब वो x की जगह पे माइनस टू रखते हैं तो कई बच्चे इसको गलती करेंगे, 5 minus 2 3 रख देंगे, जो कि आंसर खत्म कर देगा यहीं से, ठीक है, दिस इज नॉट 5 minus 2, दिस इज 5 multiplied by -2, दैट इज -10 शुड बी द आंसर, बट वो ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इस वजह से 5x को वो 5 और x की जगह पे माइनस टू रख देते हैं यहां से, तो 5 minus 2 3 कर देंगे, जो कि एक ब्लंडर है, ऐसी गलती मत करना, ठीक है, ये मतलब है x क्यूब का मतलब है x into x into x, 3x स्क्वायर का मतलब है 3 into x into x, ठीक है, x स्क्वायर का मतलब होता है x into x, 5x का मतलब होता है 5 into x and 6, ठीक है, तो -2 का क्यूब + 3 into -2 का स्क्वायर + 5 into -2 + 6, तो ध्यान रखना ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो एकदम ब्रैकेट का अच्छे से इस्तेमाल करना है एंड देन उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो -2 का क्यूब करोगे तो -2 into -2 into -2 -2 into -2 into -2, अब देखो -2 into -2 करते हो, जब नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है, जब एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आएगा +4, अब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो इनका आंसर आएगा, जब एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो
तो आंसर आएगा नेगेटिव में और वैल्यू हो जाएगी 4 2 8। ठीक है, ध्यान रखो जब एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर तो आंसर इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जब एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर आंसर इज अ नेगेटिव नंबर, जब एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर आंसर इज अ नेगेटिव नंबर, और जब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तब आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर कब कब आ सकता है, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो और बीच में हो उनके मल्टीप्लीकेशन। ध्यान रखना ये रूल मल्टीप्लीकेशन के लिए है, ये चारों रूल मल्टीप्लीकेशन के लिए लिखे गए हैं। ठीक है, और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हो, मतलब अगर एक पॉजिटिव नंबर हो और प्लस एक नेगेटिव नंबर हो, एक पॉजिटिव नंबर प्लस एक नेगेटिव नंबर, तो हमेशा जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा, जो बड़ा होगा। एग्जाम्पल -2 + 3 अगर लिखा है तो यहां पर 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो आप जानते हो मैंने बोला कि 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो आप जानते हो 3 बड़ा है। ठीक है, तो आंसर आएगा +1 और हो जाएगा इसमें माइनस, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हमेशा माइनस हो जाएगा और आंसर होगा जो पॉजिटिव नंबर जो बड़े नंबर के साथ चिपका है जो साइन वो आएगा। ठीक है, अगर यहीं पे होता -3 + 2 तब इसका फाइनल आंसर नेगेटिव में आएगा और हो जाएगा इनके बीच में माइनस, तो 3 - 2 आ जाएगा 1। ठीक है, तो -3 + 2 - 1 एंड -2 + 3 + 1। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव में कंफ्यूजन होती है, तो बच्चों आप नंबर लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर लाइन में यहाँ 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इधर को पॉजिटिव नंबर्स और इधर को नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 - 2 - 3 - 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में मैंने लिखा था -2 + 3, जब भी प्लस बोला जाए तो आपको राइट साइड कूदना है, जब भी माइनस बोला जाए तो आपको लेफ्ट साइड कूदना है। ठीक है, नंबर लाइन में अब देखो मैंने बोला था -2 + 3, मतलब सबसे पहले आप -2 पर आ जाओ, तो आपने बोला ठीक है मैं -2 पे आ गया हूं। अब मैंने बोला +3 का मतलब 3 कदम राइट में चले जाओ, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम कहां पर आ गया, आप +1 पर, +1 इज योर आंसर, डन, इजी मेथड। नेक्स्ट -3 पर अगर आप हो और आपको +2 दिया जाए तो -3 पर आ गए +2, तो 2 कदम आगे चले जाओ। ठीक है, तो 1 कदम यहां, दूसरा कदम यहां, आप कहां पहुंच गए, -1 पर, -1 इज योर आंसर, इजी। उसी तरह मैंने अगर यहां पे लिखा -2 - 1, इसका आंसर बता दो, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले आप -2 लिख रहे हैं, आप -2 पे खड़े हो जाओ, फिर मैंने -1 लिखा तो माइनस जब भी लिखे तो 1 कदम लेफ्ट की ओर आ जाओ, तो 1 कदम लेफ्ट में आ जाओ, आंसर आ जाएगा -3, इजी। तो नंबर लाइन का इस्तेमाल करके आप प्लस और माइनस कर सकते हो, आप ये ध्यान रखना ये इजी मेथड है और अच्छा मेथड है, जिन बच्चों को मुश्किल होती है नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर अगर हो और उनको प्लस माइनस करने में जिनको दिक्कत होती है, तो आप नंबर लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, और जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप इस तरह से ध्यान देना, अगर एक पॉजिटिव नंबर एक पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो रहा हो आंसर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर आंसर नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर आंसर नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव आंसर पॉजिटिव। सपोज -2 - -3 लिखा हो तो आंसर आएगा +6। ठीक है, +2 - 3 ये सब तो आप जानते हो, और 2 - -3 तो आंसर आएगा -6, 3 - -2 तो भी आंसर आएगा -6, जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तब के रूल ऊपर है, और जब प्लस माइनस हो रहे हो एड सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उसका रूल नीचे है कि आप नंबर लाइन का इस्तेमाल करके करना चाहिए। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो जो बड़ा होगा साइन उसका होगा और होगा क्या, बीच में उनके माइनस होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा। ठीक है, जो बड़ा होगा उसका साइन, और होगा क्या, माइनस एंड होगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होगा, और जो बड़ा होगा साइन उसका लगाया जाएगा, जब पॉजिटिव हो एक नंबर और एक नंबर नेगेटिव हो और उनके बीच में प्लस या माइनस हो रहा हो। ठीक है, और अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो और उनके बीच में प्लस लगाओ, ठीक है, जैसे -2 - 1, ठीक है, दो नंबर नेगेटिव हो तो हमेशा साइन नेगेटिव का आएगा, जैसे कि यहां आ रहा है, और होगा क्या, उनका एडिशन हो जाएगा, जैसे कि आप इधर देख रहे हो 2 - 1 - 3 होता है एंड साइन आ जाता है नेगेटिव का। अगर आपको ये रूल समझ नहीं आता तो आप नंबर लाइन से करो ना सीखो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब आप समझ जाओगे कि क्या चीज हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक सी थोड़ी सी बातें थी।
तो यहां से आप p ऑफ माइनस टू जब आप निकालोगे तो p ऑफ माइनस टू आ जाएगा माइनस टू का क्यूब दैट इज माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू दैट इज माइनस एट एंड प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू का स्क्वायर इज प्लस फोर प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू। एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर और आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई तो साइन लगेगा नेगेटिव का और हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन माइनस टेन प्लस सिक्स। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये होगा माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस टेन प्लस सिक्स। ठीक है तो ट्वेल्व माइनस टेन इज प्लस टू, टू माइनस एट प्लस सिक्स, माइनस एट प्लस टू, माइनस एट पर आप हो दो कदम और राइट साइड चले जाओ माइनस सिक्स पे पहुंच जाओगे, माइनस सिक्स एंड प्लस सिक्स आंसर आएगा जीरो। ठीक है तो p ऑफ माइनस टू गिव्स यू आंसर जीरो। एंड यहां से आपको पता चला जब रिमाइंडर जीरो तो आप पक्के तौर पर बोल सकते हो कि x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स क्योंकि आपने p ऑफ माइनस टू निकाला और वो जीरो आ गया। ठीक इन द सेम मैनर आप q ऑफ माइनस टू निकालो बिकॉज x की वैल्यू माइनस टू आई है, q ऑफ माइनस टू निकालो तो वो आएगा टू इंटू माइनस टू प्लस फोर दैट इज माइनस फोर प्लस फोर दैट इज जीरो। तो यहां से दोनों में जीरो आ जाएगा तो आप बोलोगे सिंस p ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू क्यू ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर जी एक्स दैट इज एक्स माइनस टू सॉरी एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स। ठीक है तो यहां पर हमारा एक सवाल सॉल्व हो जाता है। इसका सेकेंड पार्ट आप खुद से कर लेना, मैंने ओरली आपको बता दिया कि किस तरह से करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम मान लेते हैं लेट पी एक्स बी आर गिवन पॉलिनोमियल फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के। ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल था और लेट जी एक्स हमारा दूसरा पॉलिनोमियल है एक्स माइनस वन। इट इज गिवन दैट जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। आपको ये दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोल रहा है अगर x माइनस वन इज अ फैक्टर, x माइनस वन अगर एक फैक्टर है तो इट इज गिवन दैट जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देयरफॉर x माइनस वन को जीरो करते हो आप तो x इक्वल टू वन आता है देयरफॉर पी ऑफ वन मस्ट बी जीरो क्योंकि p ऑफ वन बताएगा रिमाइंडर एंड उसने बोला कि ये फैक्टर है और जब फैक्टर है तो रिमाइंडर मस्ट बी जीरो। तो p ऑफ वन निकालो उसको जीरो करो तो p ऑफ वन आएगा फोर इंटू वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन प्लस के मस्ट बी जीरो। जब सॉल्व करोगे वन का क्यूब वन होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, फोर इंटू वन फोर होता है। ठीक है तो फोर इंटू वन फोर आएगा प्लस थ्री आएगा माइनस फोर आएगा प्लस के इज इक्वल टू जीरो। प्लस फोर एंड माइनस फोर कट के जीरो हो जाएंगे एंड के और थ्री इधर है प्लस में है। जब के की वैल्यू आपको चाहिए तो के को यहीं रोके रहो और थ्री इधर प्लस में है उस तरफ भेज दो इसको तो इसकी वैल्यू माइनस थ्री आ जाएगी। ठीक है देयरफॉर के इज इक्वल टू माइनस थ्री इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 पर और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को उठाते हैं। बच्चों अब हम एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हैं और इसमें आप देख रहे होगे कि क्वेश्चन नंबर वन जो मैंने लिख रखा है मैंने सिर्फ एक पार्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर वन का। क्वेश्चन नंबर वन में फोर पार्ट है उसी तरह क्वेश्चन नंबर टू में चार पार्ट है। ठीक है तो मैं ये समझता हूँ कि आपको भी कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो मैंने कंसेप्ट बताया दो एग्जाम्पल्स में सारे क्वेश्चन तो नहीं तरीके से होंगे, लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया पिछले जो क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस कराए उनके जिस तरीके से आपने लिखा है उस तरीके से ही आपको अपने बोर्ड अपने कॉपी में लिखना है। जो आपके स्कूल की कॉपी होगी या एग्जामिनेशन कॉपी होगी आपको उसी तरीके से उस क्वेश्चन को लिखना है। लिखने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। अब इन क्वेश्चंस को मैं थोड़ा जल्दी से थोड़ा फास्ट से थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से आपको बता देता हूं। ठीक है कि आप इन क्वेश्चंस को करना सीख जाओ। ठीक है लिखना किस तरह से है कॉपी में वो आप जानो। ठीक है वो क्वेश्चन होगा कैसे आपको आ जाना चाहिए वो क्वेश्चन ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है तो इन चार क्वेश्चन से मैंने ये नोटिस करा कि ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा अजीब सा नंबर है। बस रूट टू एक नंबर है जो कि नॉर्मल एक नंबर नहीं यूज होता है। ठीक है जो रियल नंबर हम यूज करते हैं वैसा एक नंबर नहीं है, थोड़ा रूट टू है। ठीक है इरेशनल नंबर है
तो बस इस नंबर की वजह से मैं इस क्वेश्चन को उठा रहा हूं और आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है? करने का तरीका सेम है, ठीक है? तो चेक करना है कि ये जो पॉलिनॉमियल दे रखा है पी एक्स, इसका एक फैक्टर एक्स प्लस वन है कि नहीं है, बस हमें चेक करना है। तो हमें क्या करना होता है, एक्स प्लस वन को इक्वल टू कर देना है जीरो के। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब क्या करना है, पी ऑफ -1 निकालना है। पी ऑफ -1 निकालोगे तो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर। ध्यान रखना ब्रैकेट का भरपूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया तो एरर होने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है? फिर माइनस, फिर ब्रैकेट यूज करना है 2+√2, और फिर एक्स है तो -1, ठीक है, +√2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, -1 का क्यूब -1 आएगा, फिर माइनस लगा लो, -1 का स्क्वायर +1 आता है, ठीक है? -1 × -1 +1, फिर -2+। अब आप क्या करो, इस पूरे को सॉल्व कर लो और बाहर माइनस लगाए रहो, बाहर माइनस लगाया। जब इसको पूरे को सॉल्व करा तो -1 एक बार 2 से सॉल्व होगा, -1 एक बार √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 × 2 आएगा -2, एंड -1 × √2 आएगा -√2, ठीक है? ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया एंड +√2 बाहर। अब इसको सॉल्व करो तो ये आएगा -1 -1 +2, बिकॉज माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस, तो +√2 एंड +√2, ठीक है? तो -1 -1 -2 एंड -2 एंड +2 गेट्स कैंसल्ड। यहां पे बचता है +√2 एंड +√2, दैट इज √2 व्हिच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है? देयरफॉर इस क्वेश्चन में एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ PX, ठीक है? क्वेश्चन को चेक कर लेना, कैलकुलेशन एरर कुछ है नहीं, ठीक है? मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि मेरी कोई एरर ना हो। एक्स प्लस वन क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मैंने सही नोट किया हो, एक्स प्लस वन को जीरो करा, एक्स माइनस वन आया, एक्स क्यूब -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2+√2 -1+√2, ठीक है? तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 माइनस, और माइनस इधर, और ये हो जाएगा -2 -√2 एंड बाहर +√2, फिर -1 -1 +2 +√2 एंड प्लस, ठीक है? ठीक है, ठीक है। जितना मैंने करा है, अगर क्वेश्चन ये है, अगर ये, अगर मैंने क्वेश्चन नोट करने में एरर नहीं किया तो आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है? तो इसको करने का तरीका ये, बाकी जो अंग्रेजी छोंकनी है कैसे करनी है ये आप जान चुके हो, कैसे लिखना है उसको, ठीक है? इंग्लिश किस तरीके से लिखनी है तो वो आप जानते हो, करना क्या है ये मैंने बता दिया, ठीक है? दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, करने का तरीका लास्ट क्वेश्चन की ही तरह, बस ये √2 की वजह से मुझे लगा कि मैं आपको बता देता हूं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है? बाकी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के आप खुद से ट्राई करना, सारे इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द गिवन केसेस। यहां पर आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया पी एक्स और एक क्वेश्चन दे दिया, एक पॉलिनोमियल दे दिया जी एक्स, और आपको चेक करना है कि जी एक्स इसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है? तो जी एक्स को सबसे पहले उठा के इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ठीक है? तो यहां से आ जाएगा एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आएगी 3। अब उसके बाद क्या करते हो, पी ऑफ 3, पी ऑफ 3 आप फाइंड कर लो, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर +3+6। 3 3 = 9, 9 3 = 27, -4 × 3 3 = 9 +3+6, तो 27 - 36 + 9, तो 27 + 9 आएगा 36, बिकॉज 9 3 = 27, 9 4 = 36, तो 36 and 36 गेट्स कैंसल्ड, पी ऑफ 3 कम्स आउट टू बी 0, ठीक है? देयरफॉर सिंस जी एक्स कंप्लीटली डिवाइड्स पी एक्स, देयरफॉर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है? लिखने का तरीका ये हो गया, सॉल्यूशन का पार्ट ये है, बाकी जो इंग्लिश लिखनी है थोड़ी सी वी हैव टू चेक, दिस इज गिवन, दिस इज दैट, वी नो दैट, वी, ठीक है? बस ये सारी चीजें जो है ये आप खुद से लिख लेना। तो यहां पे मैंने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए, चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.4 का, और इस क्वेश्चन में मैंने एक चेंज किया है, चेंज ये है कि आपकी बुक में यहां पर एक्स
माइनस वन दे रखा है और बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड दिस पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए, आपको एक डिफिकल्ट कैलकुलेशन करवाने के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए, मैंने इसको x प्लस टू कर दिया है। बिकॉज अगर ये x माइनस वन होता, इसको जीरो करोगे x की वैल्यू वन आ जाएगी और p ऑफ वन निकालना बहुत इजी नंबर है, वो आप कर लोगे। ठीक है, तो उसको चेंज कर दिया मैंने, x प्लस टू कर दिया। तो जब भी आपको बोला जाए कि अगर x प्लस टू एक फैक्टर है, ये गिवन कर दिया और आपको फाइंड करना है k की वैल्यू, तो x प्लस टू एक फैक्टर अगर है उसका, तो x प्लस टू को जीरो करोगे तो x इक्वल टू माइनस टू आएगा, दैट इज p ऑफ माइनस टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो इफ x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इफ x प्लस टू इज अ फैक्टर, आप लिखोगे ये लाइन, इफ x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन p ऑफ माइनस टू, बिकॉज इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू माइनस टू आती है, तो p ऑफ माइनस टू मस्ट बी जीरो, ये इंग्लिश में आप लिखोगे। ठीक है, तो उसके बाद आप लिखोगे नेक्स्ट p ऑफ माइनस टू इक्वल टू जीरो, और p ऑफ माइनस टू इक्वल टू जीरो जब यहां पुट करोगे, x की जगह पर आपने माइनस टू रखना है पूरे पॉलिनोमियल में, तो ये हो जाएगा k ऑफ माइनस टू का स्क्वायर माइनस रूट टू माइनस टू प्लस वन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ध्यान रखना इसकी जगह पर ये आएगा, ना कि जीरो की जगह पर। ठीक है, p ऑफ माइनस टू, अगर p ऑफ x होता तो उसकी जगह ये लिखते, अब p ऑफ माइनस टू, x की जगह पर माइनस टू, तो ये पूरा p ऑफ माइनस टू की जगह पर आएगा। ठीक है, जब आपने इसको जीरो करा तो माइनस टू का स्क्वायर फोर होगा, फोर के माइनस माइनस और माइनस, और ये माइनस रूट टू एंड माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, टू और रूट टू, टू रूट टू बन जाएगा, प्लस वन इक्वल टू जीरो। जब यहां से आप फोर के को अकेला करोगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों चीजें उधर चली जाएंगी, ये हो जाएगा माइनस वन माइनस टू रूट टू, और यहां से जब आप के की वैल्यू निकालोगे तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाएगा वन प्लस टू रूट टू होल अपॉन फोर, और अगर आप माइनस कॉमन नहीं लेना चाहते तो आप ऐसे लिखोगे k इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू रूट टू होल अपॉन फोर। ध्यान रखना ये जो फोर है ये पूरे के अंडर नीचे जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये फोर पूरा k से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब इधर जाएगा तो पूरा इस फ्रैक्शन के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बचपन से आनी चाहिए आप, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो k की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, अगर यहां पर x प्लस टू होता, आपकी बुक में x माइनस वन है तो ये कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा, और अगर इसकी जगह पर x माइनस वन होता, मतलब इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसी क्वेश्चन में अगर x माइनस वन आपकी बुक से बुक के तरीके से आप सॉल्व करते, x माइनस वन होता क्वेश्चन में, तो आप लिखते p ऑफ वन मस्ट बी जीरो एंड p ऑफ वन रख दोगे, तो ये आएगा k ऑफ वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन मस्ट बी जीरो, तो ये आएगा k माइनस रूट टू प्लस वन इज जीरो, यहां से k की वैल्यू आएगी रूट टू माइनस वन, बिकॉज ये इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू आएगी रूट टू माइनस वन, ये इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए x प्लस टू कर दिया है, इसका सेकेंड पार्ट का आंसर आप खुद से करना है x प्लस टू रख के, और फिर x माइनस वन जो आपके बुक में दिया है उसको भी रख के आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेना k की वैल्यू। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन जो थे ये हम अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं एग्जाम्पल्स में भी और आपकी एक्सरसाइज में भी। तो यहां पर हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक करते हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करते हो, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। ध्यान रखना ये सारे टर्म्स फैक्टर शब्द से ही आएंगे। ठीक है, तो फैक्टर आज की क्लास में हमने सीखा, फैक्टर थ्योरम सीखा, उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस करे, प्रैक्टिस करे, और फिर एक्सरसाइज 2.4 के भी कुछ क्वेश्चंस करे। एक्सरसाइज 2.4 के बाकी क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन से हैं, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट एंड देन दोस क्वेश्चंस। ठीक है, तो होप यू लाइक द लेक्चर, आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमारी ईमेल आईडी है easyclasses@gmail.com। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस।